ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेड। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी फार्माकोलॉजी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम फार्माकोलॉजी के हर एक टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन हमारे आए पिछले 12 सालों में, उनको हम देख रहे थे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी के हम मैक्सिमम टॉपिक्स जो हम पिछले कवर कर चुके हैं, आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है। ठीक है, केडी त्रिपाठी को अगर हम देखें तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग, इसके अंडर में बहुत सारी हमारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, उसके साथ साथ हमारी एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी लेप्रोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी अमोबिक और एंथेलमेंटिक, बहुत सारी, बहुत बड़ी एक कैटेगरी है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अंदर। ठीक है, माइक्रोबियल मतलब ये छोटे छोटे हमारे माइक्रोब्स होते हैं, उनसे होने वाली डिसीज, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा वगैरह सब कुछ आते हैं। ठीक है ना, तो आज का जो टॉपिक, आज की जो वीडियो है, मेनली हम उसमें कवर करेंगे एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जनरल कंसिडरेशन से क्या क्वेश्चन आया, सल्फोनामाइड्स से, कोट्राइमाजोल, क्विनिलोन से, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से, टेट्रासाइक्लिन से, अमाइनोग्लाइकोसाइड से, इसके बाद मैक्रोलाइड, लिसोनामाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड, इतने जितने भी हैं हमारे 50 से लेकर 55, इन 5 टॉपिक को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। इन 5 टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी लेप्रोटिक के लिए एक हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एंटी फंगल के लिए एक अलग वीडियो रहेगी, एंटी वायरल दोनों, नॉन रेट्रोवायरल और रेट्रोवायरल के लिए एक अलग रहेगी, एंटी मलेरियल और इनके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, एंटी मलेरियल के लिए अलग और एंटी अमोबिक और एंथेलमेंटिक के लिए अलग वीडियो सेपरेट होंगी। तो काफ़ी बड़ी हमारी ये कैटेगरी है, इस वजह से इसमें इतनी सारी वीडियोज लगेंगी। ठीक है, बाकी ऊपर की अगर हम बात करें तो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स वगैरह ये सब हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग में, चलिए देखते हैं 2022 से। तो 2022 में हमारे इसमें क्वेश्चन आए थे दो। ठीक है, एक आया था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्रायोन्स। ठीक है, ये प्रायोन्स एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड नहीं, लेकिन हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो प्रायोन्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह से बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, इस तरह एक यूनिट हमारी प्रायोन्स भी होती है। उसी तरह प्रायोन इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये हमारे पास स्टेटमेंट दिए। प्रायोन्स कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, उसके बाद ये क्या दिया, क्रिट फील्ड जेपको डिसीज, सीजी इज नॉट कॉज्ड बाय प्रायोन्स, प्रायोन्स आर इवन मोर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय देन बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, तो क्या हमारा सही है इसमें, ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो हमको इसमें बताना था। तो इसके अगर करेक्ट आंसर में हम देखें तो ए सी एन डी जो दिए हुए हैं हमारे, वो सही है हमारे स्टेटमेंट। ठीक है ना, ए सी ई, ओह शिट, मेरा माउस कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल, मतलब प्रायोन्स जो होते हैं एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, उसके अलावा प्रायोन्स कंटेन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये गलत है। सी जी डी जो है वो प्रायोन्स की वजह से नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद प्रायोन्स आर इवन मोर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय देन बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, तो इनको खत्म करना बैक्टीरियल स्पोर्स से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। चलिए, एक ये था हमारा टेंडन रप्चर और टेंडिनिटिस जो होता है ऑफ एकिल्स टेंडन इज एन एडवर्स रिएक्शन ऑफ, तो ये जो हमारी किस हमारी जो एंटीबायोटिक है उसका एडवर्स रिएक्शन है टेंडन रप्चर, और जिसको हम टेंडिनोटिस भी बोलते हैं ना, ऑफ एकिल्स। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स का एडवर्स रिएक्शन है, टेट्रासाइक्लिन का, सेफेलोस्पोरिन का, या फिर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का, तो वो हमें देखना है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम इसके लिए बात करें तो ये हमारा जो एडवर्स इफेक्ट है फ्लोरोक्विनोलोन्स का है। ठीक है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स की वजह से ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये दो क्वेश्चन हमारे 2022 में आए थे। अब बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 में हमारे इसमें भी दो ही क्वेश्चन आए थे एंटीबायोटिक के, उस वाले पोर्शन से जिस वो 5 टॉपिक के अंदर से। एक था विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल फॉर्म लिस्टेड बिलो एग्जिबिट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ ग्रोथ कंट्रोल। ठीक है, तो इनमें जो नीचे दिए हुए हैं हमारे कुछ माइक्रोबियल्स दिए हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारा कौन से करते हैं फॉर फिजिकल एंड केमिकल मैटर फॉर ग्रोथ कंट्रोल में। ठीक है, नेग्ड वायरस, प्रोटोजोअन सिस्ट, वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल, या फिर बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स होते हैं, दे हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ ना फिजिकल केमिकल मेथड ऑफ ग्रोथ कंट्रोल की होती है, उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ये कोर्स करते हैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स। चलिए, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन तो 111 नंबर का। देख, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड एंसामाइसिन।
है ना। तो एंसामाइसिन क्लास की ड्रग्स, इनमें से कौन सी ड्रग बिलोंग करती है? रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोजोटिस सी। तो करेक्ट आंसर की अगर इसमें हम बात करें तो वो है हमारा रिफाम्पिसिन, जो होती है हमारी रिफाम्पिसिन, जिसको हम एंटी ट्यूबरकुलर भी यूज़ करते हैं टीवी के इलाज में, वो हमारी एंसामाइसिन कैटेगरी की उससे क्लास से बिलोंग करेगी। ठीक है, ये हो गया 2021 के। चलिए बात करेंगे 2020 में देखा जाए तो कोट्रीमाजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विद सल्फोमिथोक्साजोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोट्राइमोक्साजोल? ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आपको कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको याद जरूर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ चार स्टेटमेंट जो हमें सही वाला देखना दिया, कोट्राइमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये ठीक है ना। मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1। नहीं, ये गलत दिया यहाँ पर। ट्राइमिथोप्रिन एंड सल्फामिथोक्साजोल आर एडमिनिस्टर्ड इन द डोज ऑफ रेशियो 5:1 टू अचीव ऑप्टिमल इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का रेशियो इसमें दिया हुआ है, लेकिन सही दिया हुआ है लेकिन ये आगे पीछे कर दिया। अगर ट्राइमिथोप्रिम की बात करें तो उसका रेशियो 1 होता है जबकि सल्फोमेथोक्सोल का 5 होता है, तो इसमें उल्टा दिया हुआ है ना, तो ये गलत है। सॉरी, रेशियो से बहुत ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये रेशियो आपको याद रखना है। कोट्राइमोक्सोल इज इन्फेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें यूज़ होता है, तो इसका मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसके लिए दिया हुआ कि कोट्राइमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, ये हमको सही आंसर इसका याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको रेशियो याद रखना है ट्राइमिथोप्रिम सल्फोमेथोक्साजोल का 1:5 का रेशियो। चलिए अगली बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 2020 में था, मिटोमाइसिन सी इज एन एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम। तो जो मिटोमाइसिन सी होती है वो एंटीबायोटिक किससे आइसोलेट की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसिड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस केस्पिटस, है ना, केस्पिटस। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो जो हमारी माइटोमाइसिन सी जो होती है वो हमारी ली जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस केस्पिटस, है ना। याद रखिएगा, नाम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई बात नहीं, तो 60 का ये हमारा डी वाला। चलिए अब उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन 97 में पूछा था कि फॉलोइंग पेयर प्रेजेंट एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। तो नीचे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं एंटीबायोटिक और उनके सोर्स के, तो हमें सही वाला देखना है। ग्रेसिफुलवन बैक्टीरिया से होती है, कोलिस्टिन फंगी है, ठीक है, पोलिंज भी फंगी से होते हैं, मैक्रोलाइट एक्टिनोमाइसिटिस से होते हैं। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रेसिफिलिन बैक्टीरिया ये सारे गलत है, करेक्ट ये है कि मैक्रोलाइट्स हमारे एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है, एक्टिनोमाइसिट्स जो होते हैं उनसे मिलती है, तो डी वाला इसका भी करेक्ट है। चलिए अब बात करेंगे हम 2019 की। 2019 में हमारा 2019 में इसमें क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे 2019 में? तो 2019 में भी दो ही क्वेश्चन आए थे इसमें एंटीबायोटिक्स से। सबसे पहला था कि दिस सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव पेनिसिलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन एसाइलेशन ऑफ 6-APA विद पी हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लाइसिन। तो ये मतलब ऐसी कौन सी हमारी पेनिसिलिन है जिसको हम सिंथेसाइज करते हैं, सेमी सिंथेसाइज करते हैं ये चेंजेस करके, है ना। तो कौन सी है? बेकैम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारी एमोक्सिसिलिन, ठीक है। एमोक्सिसिलिन को सेमी सिंथेटिक है हमारी पेनिसिलिन है जो कि सिंथेसाइज की जाती है बाय एसाइलेशन ऑफ 6-APA विद द पी हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लाइसिन के साथ। तो अब बात करेंगे हम 2019 में हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था दैट द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन विद साइक्लोस्पोरिन, है ना। हम जो है कि जो एरिथ्रोमाइसिन है उसको साइक्लोस्पोरिन के साथ को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, है ना। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कि इंक्रीज करता है बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू इनिबिशन ऑफ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, या फिर इंक्रीज करेगा बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू इनिबिशन ऑफ माइक्रोफ्लोरा इन इंटेस्टाइन,
डिक्रीज करेगा बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या जिसकी वजह से डिक्रीज होगी बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू इंडक्शन ऑफ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, है ना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर में हम अगर देखें तो जो हम कोएडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना साइक्लोस्पोरिन और एरिथ्रोमाइसिन का, वो करते इसलिए कि इंक्रीज होती है बायोअवेलेबिलिटी से इंक्रीज हो जाती, क्योंकि इसमें हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होता है, कम हो जाता है ना। चलिए ये था 2019 में, अब देख लेते हैं 2018 में। तो 2018 में एक क्वेश्चन था दैट सिलेक्ट द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो हमें क्या बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को देखना है, ग्रेशियोफुलविन, क्लेविलेनिक एसिड, उसके बाद सल्फामिथॉक्सासोल, टेट्रासाइक्लिन। तो करेक्ट आंसर इसका क्लेविलेनिक एसिड, ठीक है ना। ये तो ईजी है, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप याद कर लेना, बीटा लैक्टमेज, क्लेविलेनिक एसिड, टेजोबैक्टम वगैरह, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे 2017 में, मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग बैक्टीरियल रेजिस्टेंट टू सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स में जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो रहा है उसके पीछे मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म क्या है, क्या मेन रीजन है ना। ऑप्शन दिए हुए कि एन अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल्स, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने कोई अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे देख लिया अपने फॉलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, डीएनए वगैरह के सिंथेसिस के लिए, या फिर उन्होंने इंक्रीज कर लिया कैपेसिटी मेटाबोलाइज करने की हमारी जो एंटीबायोटिक है, या फिर उन्होंने इंक्रीज कर लिया है अपनी हमारी ड्रग का एंटागोनिज्म, या फिर अनल्ट्रेशन इन एंजाइम दैट यूटिलाइज पावा। तो जो हमारा पावा होता है पेरामाइन बेंजोइक एसिड, है ना, इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको अल्टर कर लिया इन लोगों ने, जिसकी वजह से जो हमारी सल्फोनामाइड्स है उन पर काम नहीं कर पाए। तो हम सीधा करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि क्या रीज़न है, मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म इसमें आता हमारा ये अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे उन्होंने बना लिया है हमारी सिंथेसिस के लिए, ठीक है, उनके फॉलिक। चलिए अगली बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद रिएक्शन ऑफ एक्सट्रीम फोटोसेंसिटिविटी। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो हमारी एसोसिएट है विद एक्सट्रीम फोटोसेंसिटिविटी के साथ, कौन सी हमारी एंटीबायोटिक है, नियासिन, डिजिटेलिस, टेट्रासाइक्लिन, या फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, मतलब एंटीबायोटिक्स तो नहीं, नियासिन हमारा विटामिन होते हैं, डिजिटेलिस अलग है, टेट्रासाइक्लिन ये दोनों हमारी एंटीबायोटिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारी टेट्रासाइक्लिन होती है, ठीक है, ओके। चलिए अगला पूछा क्लेविलेनिक एसिड क्या है, तो ये करता हमने ऊपर भी देखा था कि ये हमारे बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा ना, तो ज़्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। अगला पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेट्रासाइक्लिन, तो इनमें दिया हुआ है कि कौन हमारी टेट्रासाइक्लिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्क्राइब कर रहा है, अंडरगोज एपिमराइजेशन इन सॉल्यूशन हैविंग इंटरमीडिएट पीएच रेंज, ऐसा होगा टेट्रासाइक्लिन के साथ, या ये हमारी अनहाइड्रोस्टेट्रासाइक्लिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म कर लेंगी, या फिर फॉर्म करेगी ये मीनोसाइक्लिन बेसिक मीडियम, फिर फॉर्म करेंगे स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स विद पोटेशियम आयन। तो सही अगर हम स्टेटमेंट देखें टेट्रासाइक्लिन्स के लिए तो वो होता है हमारा दैट अंडरगोज एपिमराइजेशन इन सॉल्यूशन हैविंग इंटरमीडिएट पीएच रेंज, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते 2016 में देखो टेट्रासाइक्लिन बेसिक सॉल्यूशन इज अनस्टेबल एंड इट फॉर्म विच प्रोडक्ट, है ना। टेट्रासाइक्लिन बेसिक सॉल्यूशन में अनस्टेबल क्या बना लेंगे, एपी टेट्रासाइक्लिन बना लेंगी, एपिथ्रासाइक्लिन, या फिर अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन, आइसोटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्या बना लेंगी। करेक्ट आंसर है हमारा 2016 के लिए, ये फॉर्म कर लेती है हमारी आइसोटेट्रासाइक्लिन बेसिक मीडियम। चलिए अगली बात करेंगे 76 पे दिया एन एंटीबायोटिक दैट रिजेंबल द थ्री एंड ऑफ चार टीआरएनए मॉलिक्यूल, तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसमें थ्री एंड ऑफ चार टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, विनकामाइसिन, प्यूरो या टेट्रासाइक्लिन। तो 67 की इसमें बात करें तो वो हमारी प्यूरोमाइसिन है, ठीक है ना। चलिए अगला पूछा 71 है हमारा दैट व्हाट मॉलिक्यूलर फीचर इज पेनिसिलिन जी सेड टू बी मिमिक, तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फीचर जो कि पेनिसिलिन जी हमारी मिमिक करती है उसमें। ऑप्शन दिए हुए डाइसेक्राइड एन, तो एन एसिटाइल म्यूरेंसिन, तो चलिए सीधे बात करते हैं हम इसके करेक्ट आंसर की, तो वो है द डाइपेप्टाइड मोइटी ऑफ डी एलानिन, ओके, दिस इज द मोलिकुलर फीचर इज ऑफ पेनिसिलिन इज सेड टू बी मिमिक। चलिए अगला देखते द रेजिस्टेंस टू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स बाय ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड ड्यू टू, तो हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक हैं
उनमें जो रेजिस्टेंस हो रहा है फॉर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, क्यों होता है? तो दिया डिक्रीज अपटेक ऑफ एंटीबायोटिक, हमारी एंटीबायोटिक अपटेक को डिक्रीज हो गया है, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेस एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज इलेक्ट्रॉन रिंग इन मैक्रोलाइट, या फिर बैक्टीरिया से कोई स्ट्रेस एंजाइम को सिंथेसाइज करने लगा जिसकी वजह से हमारी मैक्रोलाइट की इलेक्ट्रॉन रिंग हाइड्रोलाइज हो जा रही है, या फिर मिथाइलेशन हो रहा हमारा 58 सब यूनिट पर, जहाँ पर हमारी एंटीबायोटिक जाकर बाइंड होती है और बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, या फिर हमें इंक्रीज हो रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटीबायोटिक। तो करेक्ट आंसर जो है जिसकी वजह से हमारी मैक्रोलाइट का ग्राम पॉजिटिव में रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो है हमारा दैट सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेस एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज इलेक्ट्रॉन रिंग। ठीक है, हमारी एंटीबायोटिक में जो इलेक्ट्रॉन रिंग होती है मैक्रोलाइट्स में, ये ऐसा एंजाइम स्ट्रेस नाइम का एक एंजाइम सिंथेस करे जो कुछ को हाइड्रोलाइज कर दे जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अगला है 103 नंबर पे, बॉट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इफ द एसाइल साइड चेन ऑफ पेनिसिलिन हाइड्रोलाइज। अगर हमारी पेनिसिलिन में एसाइल साइड की जो चेन है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है तो कौन सा स्ट्रक्चर हमारा बचेगा? फिर पेनिसिलिनिक एसिड, पेनिसिलिक एसिड, या फिर 7-अमीनो पेनिसिलिन सिलेनिक एसिड, या फिर 6-अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका जो फॉर्म होगा वो हमारा जो बचेगा स्ट्रक्चर वो रहेगा 6-अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड। चलिए अब अगला 2015 पे, इसमें देखें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसमें 6 क्वेश्चन के लगभग हैं 2015 में। ठीक है ना, ये देखिए तो आया था सबसे पहले मैच कंपाउंड विद द पाथवे दे इनहिबिट। देखो इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे हमें, इधर हमारी एंटीबायोटिक्स दी, इधर उनके पाथवे दिए कहाँ काम करेगी। अब वैंकोमाइसिन, रिफामपिसिन, प्यूरोमाइसिन, सिप्रोफ्लोसिन, फोलेट, है ना, ये इतना दिया हुआ। तो इसमें चलिए हम एक बार मैच करके देखते हैं, करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट का टी दिया हुआ है, मतलब वैंकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है ना। रिफामपिसिन हमारा क्या होता है, ये आरएनए सिंथेसिस को रोकेंगे। थर्ड वन इज प्यूरोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन हमारी क्या करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे। और सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन हमारी डीएनए सिंथेसिस को रोकेंगी। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से ये काम करती है। आपको सारी एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द 6-मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री सॉरी, पूछा है कि व्हाट इज 6-मिथाइल डेरिवेटिव एरिथ्रोमाइसिन का 6-मिथाइल डेरिवेटिव क्या कहलाता है, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। करेक्ट आंसर इसका, करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है हमारा एजिथ्रोमाइसिन करता है 6-मिथाइल डेरिवेटिव एरिथ्रोमाइसिन का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 15 नंबर पे, अ सीरीज ऑफ अल्फा एसाइल यूरोडोपेनिसिलिन लाइक एजिलोसिलिन, मेजिलोसिलिन एंड पाइप्रासिलिन आर सुपीरियर बिकॉज ऑफ। तो ये हमारी अल्फा सीरीज है, सीरीज ऑफ अल्फा एसाइल यूरोडोपेनिसिलिन की, ये सुपीरियर है क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड में इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है, इंक्रीज्ड बीटा लैक्टामेस रेजिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, इनमें बीटा लैक्टामेस के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रखा, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस रेजिस्टेंस से। इम्प्रूव्ड पेनिट्रेशन थ्रू द सेल एनवेलप, या फिर ये अच्छे से सेल एनवेलप के थ्रू इम्प्रूव पेनिट्रेट हो जाती है, इसमें बढ़ा दिया, या फिर स्लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, या फिर इसमें मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दिया गया। क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हमारी अल्फा एसाइल यूरोडोपेनिसिलिन मेजर सुपीरियर होती है? तो इसमें देखते हैं सीधा करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इसमें ये है मेन रीज़न इसका कि हमने क्या इम्प्रूव कर दिया पेनिट्रेशन थ्रू द सेल एनवेलप, है ना, तो बैक्टीरिया के अंदर जाती है अच्छे से, पेनिट्रेट बढ़िया कर जाती है। और सारी पेनिसिलिन जो होती है हमारी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ही होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया, बेसिलस सबटिलस इज यूज इन एसे ऑफ विच एंटीबायोटिक। तो बेसिलस सबटिलस हमारी किस एंटीबायोटिक के एसे में यूज किया जाता है ना, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कौन सी एंटीबायोटिक के एसे में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरूर रखें, मतलब पढ़ लेना इनको आप। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बेसिलस सबटिलस जो होता है वो हमारा यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के एसे में। ठीक, चलिए बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन आर मेनली डिटेक्टेड बाय, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन हम
किससे डिटेक्ट करते हैं, मेनली पायरोजन टेस्ट से, लाल टेस्ट से, थर्मल टेस्ट से, या फिर बैक्टीरियल टेस्ट से। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो हम इसको लाल टेस्ट से करते हैं डिटेक्ट। ओके, एक लास्ट बचे 2015 में, इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया द सेल वॉल इज थिकर, है ना। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन अगर हम उसके हिसाब से देखें, एंटी माइक्रोबियल ड्रग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन से बैक्टीरिया होती है जिनकी सेल वॉल थिकर होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ, या फिर नॉन ऑफ? तो जाहिर सी बात है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ज़्यादा थिकर होती है। चलिए, ये हो गया 2015 के, अब बात कर लेते हैं 2014 की। तो 2014 में इसमें दो क्वेश्चन आए थे, 14 और 62 नंबर पर, है ना। इसमें भी ये क्वेश्चन फिर से उसी तरीके का रिपीट होगा, वैनकोमाइसिन रिपामाइसिन सेफ्रोफ्लोक्सासिन, सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारे 2014-2015 में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक विच वन वुड बी एक्सेप्टेबल टू यूज व्हेन टारगेटिंग पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एस निमोनिया ओटोसिस मीडिया। तो ऐसे कौन सी हमारी एंटीबायोटिक है जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर टारगेट करने के पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एस निमोनियाई के लिए, है ना। तो वो होगी हमारी एजिथ्रोमाइसिन हम यूज करेंगे जिसमें पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो चुका है एस निमोनिया, या फिर हम बात करेंगे क्लेथ्रोमाइसिन का यूज करेंगे, या फिर सिफ्यूरेक्सिम का करेंगे, या सेफेक्लोर का करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका है, हम इसमें यूज कर सकते हैं इस टाइम पर सिफ्यूरेक्सिम, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो ये मैच हमें उन्हीं की एक्टिविटी उनके पाथवे से मिलाना है। तो हमने देखा था वैनकोमाइसिन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रिफैम्फिसिन हमारी आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, प्यूरोमाइसिन हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, सिफ्रोफ्लोक्सासिन हमारी डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है ना। तो पी का 5 रिफैम्फिसिन, क्यू का हमारा क्या है रिफैम्फिसिन, क्यू का 4, पी का 5 क्यू का 4, आर का 3 प्रोटीन सिंथेसिस, सिफ्रोफ्लोक्सासिन हमारी डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। फर्स्ट वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, अब बात करेंगे 2014 के बाद 2013 में, इसमें क्वेश्चन मिला नहीं मुझे 2012 में बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एंटीबायोटिक स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल इससे पूछे जाते हैं, एक एक साल में 6-7 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए। और अब जबकि मैंने इसमें अभी बहुत सारे ऐसे एंटी ट्यूबरक्यूलर, एंटी लेप्रोसी और चीज़ें तो मैंने मेंशन करी नहीं, ओनली सिर्फ हम एंटीबायोटिक पे बात कर रहे हैं। इसमें दिया हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर फ्लोरोक्विनोलोन्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए फॉल्स है। दे आर हाईली इफेक्टिव बाई ओरल और पेरेंटल रूट्स, या फिर दीज आर रिलेटिवली मोर ससेप्टेबल टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट दोज बैक्टीरिया देट आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, या फिर दीज आर बैक्टीरियोसाइडल विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। हाँ, तो अब इसमें ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। तो देखो, ये दीज आर हाईली इफेक्टिव बाय ओरल पेरेंटल, ये भी सही है ना, दीज आर रिलेटिवली मोर ससेप्टेबल टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये ऐसा नहीं होता है ना, दीज आर इफेक्टिव अगेन बोथ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बीटा लैक्टम, ये भी सही है, और ये बैक्टीरियोसाइडल भी होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है, लेकिन इनमें जल्दी ये रेजिस्टेंस नहीं होता है ना, तो ये गलत, दीज आर रिलेटिवली दिया ना मोर ससेप्टेबल टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये गलत स्टेटमेंट है फॉर फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था 54 नंबर पे, दैट वाज, ये था हमारा दैट द सेंट्रल बायसाइक्लिक रिंग इन पेनिसिलिन इज नेम्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड करेक्ट नेम। ओके, तो जो सेंट्रल बायसाइक्लिक रिंग होती है हमारी पेनिसिलिन के अंदर, जिसमें एक घर जैसा और एक किचन जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्ट नेम उसका क्या है, है ना। तो ये भी मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है इसमें, तो उसका जो करेक्ट नाम है अगर हम वो होता है हमारा, इतने सारे नाम एक सीधे, तो उसको मैं सही नाम बताता हूँ, 4-thia-1-azabicyclo-320-heptane रिंग वो हमारी होती है, ठीक है, याद रख लेना नाम। चलिए, अगला बात करेंगे 70 नंबर का, दैट फॉलोइंग आर सम ड्रग डेरिवेटिव यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वाटर सोलिबिलिटी ऑफ पेरेंट ड्रग। तो नीचे कुछ डेरिवेटिव दिए जो यूज किए जाते हैं सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, है ना। तो इसमें दिया रोली टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोटेट्रासाइक्लिन, तो हमें देखना है कि चूज करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, तो कौन सी चीज कौन सी उसके साथ लगी रहती है, ठीक है ना। क्लोरोफेनिकोल सक्सिनेट सही है, या फिर एरिथ्रोमाइसिन लैक्टोबायोनेट सही है, एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट, है ना, रोली टेट्रासाइक्लिन, तो हमें करेक्ट वाला देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ 70 का,
सीधा आंसर देखेंगे हम, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है तो PQ and R यूज टू इंक्रीज वाटर सोलिबिलिटी वाइज S इज यूज टू डिक्रीज इट, है ना। तो ये रोली टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल सक्सिनेट ये इसके साथ इसलिए यूज़ की जाती है कि वाटर सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए, और स्टेरेट वाला है ना एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट ये डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है सोलिबिलिटी। चलिए अगला देखते 71 पे, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्रिस्टल यूरिया बाय द गिवन अप्रोच, क्रिस्टल यूरिया कैन बी प्रिवेंटेड। तो क्रिस्टल यूरिया नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हो हमारी क्रिस्टल यूरिया को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। तो हमें वो देखना है कि जिससे क्रिस्टल यूरिया प्रिवेंट हो जाए, तो वाई को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फर डाइजीन सल्फर मेराजीन एंड सल्फर मिथाजीन बाई इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ यूरिन बाई को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स सल्फानिलामाइड सल्फामेथॉक्साजोल एंड फोलिक एसिड या फिर बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोट्राइमाजोल, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो करेक्ट वाले अगर हम बात करें तो वो है हमारा PQ and QR करेक्ट, ठीक है। मतलब ये बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फाडाइजिन सल्फामेराजीन एंड सल्फामेथाजीन और क्यू बाय इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ यूरिन, इस तरह से हम क्रिस्टल यूरिया को ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला दियो पेनिसिलिन रिंग सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो पेनिसिलिन रिंग सिस्टम हमने दो अमीनो एसिड से ड्राइव किया, कौन सा, एलानिन एंड मीथियोनिन, सिस्टीन एंड वैलिन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन या फिर मीथियोनिन ऑफ ल्यूसिन, हमें पेयर चूज करना है ना। तो पी क्यू आर और एस क्या है इसका, तो करेक्ट आंसर सीधा हम देखेंगे इसका 76 के लिए, तो वो है हमारा बी। बी मतलब क्यू, सिस्टीन एंड वैलिन हमारा ये रिंग सिस्टम सिस्टीन एंड वैलिन का यूज किया जाता है ना, ये दो अमीनो एसिड का डेराइव्ड फॉर्म है ना, ठीक है। अगला देखो 79 पे, तो 79 पे पूछा है कि सम स्टेटमेंट आर गिवन, इस पे पूरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे 2012 में, आप देख रहे हैं सुबह स्टेटमेंट 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 बेस्ड ज़्यादा। तो चलिए ये हमारा 76 पे है, 76 वाला है इसका अध्याय देख लिए, 79 में देव सम स्टेटमेंट आर गिवन फॉर क्लेवेलेनिक एसिड एंड साल्वेक्टम एंड टेजोवेक्टम, है ना। तो ये हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, जैसे कि हमने देखा ऑल थ्री लैक ऑफ द सिक्स असाइल अमीनोसाइड चेन ऑल आर प्रोटीन इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम बीटा लैक्टमेज ऑल आर प्रोड्रग ऑफ पेनिसिलिन या फिर ऑल हैव वीक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, क्या क्या इसमें है। तो इसका हम सीधा करेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो वो हमारा पी क्यू एंड एस आर ट्रू वाइल आर इज फॉल्स, मतलब पी क्यू एंड एस आर ट्रू, है ना, ये सही है लेकिन आर गलत है, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं है पेनिसिलिन की, है ना। ये तो यार पेनिसिलिन की प्रोडक्ट कहाँ से होगी, ये तो हमारे उसके बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ख़त्म करती है ना, तो पेनिसिलिन खुद ही अपने आप में एक ड्रग, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं। चलिए ओके अब बात करेंगे 2011 की, 2011 में ये 2012 के हमने 7-6 क्वेश्चन कंप्लीट करे। 2011 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कंसंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियोसाइडल एक्शन एंड ऑल्सो प्रोसेस पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। तो इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है जो प्रोड्यूस करती है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियोसाइडल, मतलब कि कम कंसंट्रेशन पे तो बैक्टीरियोस्टेटिक रहेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बैक्टीरियोसाइडल हो जाती है, और साथ में क्या करती है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, तो बाद में तक उसका इफेक्ट रहता है। सिफिटाजिडीम एजिथ्रोमाइसिन अमीकासिन और पाइप्रासिलिन, तो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारी अमीकासिन, ठीक है। चलिए 33 अब बात करेंगे नेक्स्ट 48 पे दिया हुआ है कि व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, है ना। तो ये ही होता हमारा। अगला दिया हुआ है कि इन न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर इन द फॉलोइंग लिविंग ग्रुप फॉर डिजाइनिंग, अरे ये कहाँ का ले लिया है, ओके सॉरी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक से आ गया, 133 नंबर पर क्वेश्चन था, 113 नंबर का क्वेश्चन यहाँ टीम ने गलत इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ में सही क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पीडीएफ जाकर आप
डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे 2010 की। तो 2010 में दिया था गिवन एंटीबायोटिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंसामाइसिन, है ना, एंसामाइसिन का। तो नीचे कुछ एंटीबायोटिक दी जिसमें एंसामाइसिन का एग्जाम्पल कौन सा है, रिफामपिसिन है, ओरोमाइसिन है, ड्रे। तो हमने शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और देखा था ना, जिसका करेक्ट आंसर होता है रिफामपिसिन। आइडेंटिफाई द वन रेशनल कॉम्बिनेशन विच इज क्लिनिकली बेनिफिट, नॉरफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, एल्प्राजोल, पेरासिटामोल, सिसप्राइड, ओमेप्राजोल, एमोक्सिसिन और क्लेवेलिनिक एसिड। तो मेरे को तो ये लग रहा है इसका 65 कड़ी, तो ये सही बात है। हम एमोक्सिसिन और क्लेवेलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एमोक्सिसिन बैक्टीरिया को मार देती है, क्लेवेलिनिक एसिड उसके बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज एंजाइम को खत्म कर देता है, अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगला 66 पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएट विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग, सल्फोनामाइड, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि स्टीवन सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट है, वो है हमारे सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड SS, स्टीवन सिंड्रोम सल्फोनामाइड 66 का, ठीक है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स ओवरऑल हमारे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स पर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस वीडियो की, काफ़ी टाइम लगा मुझे क्वेश्चंस निकालने में, इसलिए थोड़ी लेट हुई है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें इस वजह से। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको पसंद आई होगी। आपको पूरा PDF अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप वहाँ से जाकर क्लिक कर कर इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में एंटी ट्यूबरक्यूलर और एंटी लेप्रोसी ड्रग के साथ। Thank you so much for watching this video up to the very end. Bye.